स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं सदर अस्पताल रांची, जो कि झारखंड का राजधानी रांची में राज्य का एक बड़ा अस्पताल में से एक है। तो यहाँ पर इलाज कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मरीजों को इतना लाइन लगना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस जो है पूरा करने में इलाज करने के दौरान। तो चलिए वीडियो में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कैसा यहाँ पर इलाज का प्रोसेस है और कितना मेहनत लगता है। सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इलाज करने में इतना लाइन लगना पड़ता है। तो चलिए देखिएगा वीडियो का नज़ारा सब आगे। जिस तरीके से बाकी फील्ड में महंगाई बढ़ी है, उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर जो है उसमें भी महंगाई काफ़ी बढ़ रहा है दिन ब दिन। और इसी वजह से लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो बेहतर इलाज के लिए अपने शहर या राज्य के जो सरकारी अस्पताल होते हैं, अपने घर का जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है, उस तरफ रुख करते हैं। और जो राज्य के बड़े अस्पताल होते हैं वहाँ तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी होती है, हर तरीके का इक्विपमेंट होता है और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी वहाँ पर होते हैं, तो लोग उन सरकारी अस्पतालों तक जाते हैं। लेकिन इन सरकारी अस्पतालों का हाल आप देख रहे होंगे वीडियो में इसमें आप, कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ में लोगों को मशक्क़त करना पड़ता है और इलाज कराने के लिए कितना ज़्यादा लाइन लगना पड़ता है और समय बर्बाद होता है, मरीजों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसा हाल आपको हर अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल वहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना सही नहीं होता है और ये सबसे ख़राब पहलू है सरकारी अस्पतालों का। और बाकी बड़े जो अस्पताल हैं, जैसे ये सदर अस्पताल रांची का, यहाँ पर हर तरीके की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं, जैसे ही इंट्री करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो काउंटर होता है, पर्ची काउंटर, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मरीज के नाम का पेपर बनवाना है, तो वहीं से आपको लाइन लगना पड़ता है। और आपको एक पर्ची बनवाने के लिए भी घंटों लाइन लगना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे पर्ची मिलेगा तो फिर आप उस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ आपको इलाज कराना है, उस विभाग के डॉक्टर से मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको डॉक्टर के रूम में आपको हो सकता है वहाँ भी लंबा लाइन लगना पड़ जाता है। और इस तरीके से आप बहुत लंबा समय जो है वो वेस्ट होता है लाइन लगने में इलाज करने के दौरान। कभी कभी क्या होता है कि पहला दिन में इलाज नहीं भी हो पाता है और आप पूरा इलाज किए बगैर ही घर लौट जाते हैं, अगले दिन फिर जाना पड़ता है। तो ये लाइन लगने का प्रोसेस हर जगह चलता है, चाहे डॉक्टर का ओपीडी हो, वहाँ पर से अगर आपको कोई टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको जो लैब है वहाँ पर जाकर फिर वहाँ भी लाइन लगना पड़ता है, फिर रिपोर्ट के लिए लाइन। तो इस तरीके से ये जो लाइन का सिलसिला है ये इन सरकारी अस्पतालों में ख़त्म होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो मैनेजमेंट है यहाँ का वो उतना सही नहीं है, अदरवाइज़ जो मरीजों और परिजनों का जो समय है बर्बाद होता है लाइन लगने में, तो वो बच सकता है। और वे ये जो लाइन लगने का जो मशक्क़त है तो उसको ठीक किया जा सकता है अगर इन सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर मैनेजमेंट को सही किया जाए तो और भी बेहतर तरीके से इलाज का जो सुविधा है वो लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। क्या आप भी कभी अपना, अपने फैमिली मेंबर या फिर किसी फ्रेंड का इलाज कराने के लिए ऐसे ही किसी सरकारी अस्पताल में पहुँचे हैं? और तो फिर वहाँ का अपना अनुभव आपका कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसमें सुधार की ज़रूरत है? तो आप कमेंट में ये बात शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है हम आपको शेयर किए, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।